الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله أشهد أن لا إله إلا الله. जी कभी इस तरह हुआ है 40 साल 45 साल 50 साल 55 साल 60 साल हमारी उम्र होगी कभी हम मस्जिद में नहीं गए अभी हमने जात से भी माजरत की हो या अल्लाह माफ कर दे मैं कभी तेरे बुलाया नहीं आया वहां आ गए हैं लेट आए हैं मैंने लोगों को माजरत कर दी कोई शादी हमने नहीं छोड़ी बहने बैठी हैं कोई मंगनी कोई सालगिरह कोई सगन कोई वलीमा कोई कोई मकलावा कुछ हमने नहीं छोड़ा कभी मरीज से हमें फोन नहीं आया हर साल जाते हैं मुंह कभी नारायण वालों ने हमें फोन नहीं किया हर साल जाते हैं कभी मालम जप्पा वालों ने कभी फोन नहीं किया हर साल जाएंगे गिलगित स्कर्दू कभी किसी ने हमें फोन करके नहीं बुलाया पूछा नहीं हर साल जाते हैं अंदर तो याद रखना भाई गड़ी चाऊ वालों अनकरीब वो दिन आने वाला है जब एक एक जगह जाना दिखा के हमें पूछा जाएगा बदले तू वाह भी गया 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 आज सिर्फ हमें इतना बता रोज तुझे 5 बार बुलाया करते थे हमारे पास क्यों नहीं आया पूछा जाएगा ये कोई ना समझे हमें कोई नहीं पूछेगा पूछा जाएगा एक एक फंक्शन दिखाया जाएगा बंदे उधर भी गया बंदे उधर भी गया बंदे उधर भी गया बंदे उधर आज सिर्फ हमें इतना बता हम रोज तुझे 5 बार अपने घर बुलाया करते थे क्यों नहीं आया जवाब देना है आज जरा सोचिएगा क्या जवाब देना क्या कहेंगे आप 5 बार दिन में अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अशहदु अन ला एक छाती का कार्ड आता है महीना पहले तैयारियां शुरू होती हैं कपड़े खरीदे जाएंगे मैचिंग की जाएगी वेस्टकोट कोट जुराबें शूज एक माह पहले कार्ड आता है तैयारियां शुरू होती बुलाया किसने है एक आम से इंसान ने जो जिंदगी का मालिक नहीं मौत का मालिक नहीं मेरा राजक नहीं मेरा खालिक नहीं कुछ भी नहीं है वो पूरा एक माह पहले तैयारियां वो अल्लाह है वो मालिक है वो खालिक है वो राजिक है इज्जत जिल्लत जिंदगी सेहत सारा कुछ उसके पास है 5 बार हजरत जी बुलाता है काम भी कोई नहीं वेले बैठे हैं इसलिए मेरे बुजुर्ग कहा करते थे अल्फाया सेंटू लाल खरीदने वंज कोलियां दा गले विच पा बैठ तेनू भेजिया कस्तूरी खरीदने इंगज लैन का ला बैठो इंगज लैनी है नमाज कोई नहीं मेरे पास मेरे नाम आया मान तिलावत नहीं है जिक्र नहीं है फिक्र नहीं है इबादत नहीं है खिदमत नहीं है शिलारामी नहीं है अखलाक नहीं है माफ करना नहीं है पर्दे डालना नहीं है पर्दा नहीं है चादर नहीं है दुपट्टा नहीं है दाढ़ी नहीं है टोपी नहीं है पग नहीं है भेजिया तेनू कस्तूरी खरीदने तेर हिंग जवैन का ला बैठो झूठ बुग्स कीना तोमत बोहतान गीबत हराम बेअदबी वालिदैन का एहतराम ना करना यही है ना हमारे पास भी हिंग जवैन नहीं है ना अल्फाया से तू लाल खरीदने वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो और तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने तेर हिंग जवैन का ला बैठो मियां हदायतुल्ला उस शानू की मुंह खाएगा जिदा सारे ही सौदा काटे पा बैठो ये अच्छा नहीं है इतनी मैंने बैठी है उनसे भी ये अच्छा नहीं है मेरी बहनों बंदे नू हां अल्लाह नू ना बंदा बुलाए तैयार होके नहा के कपड़े पा के खुशबू ला के फिचल करवा के असी जान दे
अल्लाह बुलाए परवाही कोई नहीं। कभी इस मस्जिद से आवाज, कभी उस मस्जिद से आवाज, कभी उस मस्जिद से आवाज, हैया अलसला मियां हदायतुल्लाह उस शानों की हूं खाएगा जिदा सारे सौदा काटे पापे या फिर एंड करिए अरे थे बह के ना सारे इरादा करके उठिए आज तो बाकी से व्यात नहीं ना कोई सालगिरह कोई मंगनी कोई कीका कोई दिहाड़ा कितने नहीं जाना तो फोन करे ना तुम लोगों कहना गाल सुन भाई जेडे अल्लाह ने मैनू पैदा किया मैनू वो बुलाया तो मैं कभी नहीं आया एडा तू मेरा यार एडा तू मेरा रिश्तेदार चल रहनी आना लेकिन तुम नहीं कह सकते स्पेशली जे फंक्शन सो रहे हैं तो आया बिल्कुल नहीं क्योंकि भैन उन्होंने इन्ने के सिरे में गिलास मारने मैं सही गल कर रहा हो सकता है कोई तुहाडे अपने रिश्तेदार का हो ना कर छोड़ो लेकिन ये प्रोग्राम ससुराल च होया साले हल होया साली हल होया तो किवें ना करनी है कि बगैर इस्त्री तू कपड़े पा के जाने जी कभी ना नहीं कर रहे ना करनी वो जो जात रह गई है ना करनी वो जो जात है वे साले नू ना किवें करिए मेरी बुढ़ी का भरा है सस नू ना किवें करिए मेरी बुढ़ी की मां ना करनी रब च रह गया जी किहड़ा मूर होना जे कबर जा टगे टगे ते बंदे इतना सोहना तक हैया अल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दया करो यार ऐसे बात मैं कख नहीं कर अर्थ कल कोई जवाब नहीं होना महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बरोज़े क़यामत सबसे पहला सवाल नमाज का होगा वो अल्लाह के बंदे हुए इन्ने सोने कलीन पे ने सर्दियां ने एसी लगे ने गर्मियां ने तो मैं वुजू किया गर्म पानी है क्यों नहीं जाते मनारे पाकिस्तान उत्थे 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 दसो क्यों नहीं जाते है ब्रदर जी याद रखियो सिर्फ सानू मस्जिद आने का तरीका नहीं आता इतने हथों कभी कोई नहीं जो खाली गया है मेरे बुजुर्ग एक बात इरशाद फरमाया फरमाया करते थे चले आ वे दरबार जाइए तो शह भी वही बनती है हड्डी को कमी नहीं चौधरी बन के आने चौधरियों में हथों कभी कख नहीं लगा इतने फकीर बन के वेर लगेगा चौधरियों में कभी कख नहीं लगा है वो सिर्फ तांग कख नहीं कहते चल साढ़े घर आए की कहना इन कटते नहीं है बाकी चौधरी नहीं कभी कख लगा है फकीर बन के फिर मिलेगा पंज वक्त की नमाज और आखिरी गल अजान होने लगी बस माशाल्लाह खुशी हुई है जी अज वालद की ताजपोशी की अल्लाह इन्हें को ताजपोशी करके असी इन्हें हक अदा कर असी पुत्र इन्हों का हक नहीं अदा कर सकते मैं जरा क्योंकि मैं देखा जरा जी के वालद के हवाले न काफ़ी सुस्ती है साढ़े से अल्लाह चलो अहमद भाई भी पढ़ गए नहीं तो पढ़िया ही जाता ये मेरी माँ की दुआ है ठीक है मैं पुत्र माँ की दुआ का इनकार ही नहीं लेकिन मैनू यह नहीं समझ आती वालिद में इन्ना फरामोश क्यों कर दिता गया क्यों तुहाडे ज़हन च ख्याल आया कि शायद वालिद दुआ नहीं कर पुत्र माँ तो दुआ ही करती है ना वालिद दुआ भी करता ना जो मजदूरी भी करता है